सबसे पहले स्वागत है अहाँ के अपन यूट्यूब चैनल पर। आजुक वीडियो में बतावल जा रहा है बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के मैथिली का सातम चैप्टर जिनक नाम अच्छी भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनक लेखक अच्छी भाग्य नारायण झा। एहि पार्ट से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों बताएब, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जे छे एक से दो मार्क के पूछल जाए छे और सब्जेक्टिव एगो क्वेश्चन रहे के चांस रहे छे। तहिना छः चैप्टर के वीडियो हम बना देने छी इससे पहले, यदि अहाँ सब नहीं देखलिए तो ओकर लिंक अहाँ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएत। ओत से अहाँ छः चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और कौन चैप्टर में कतेक मार्क पूछल जाए छे वो अहाँ सब देख सकै छी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अहाँ के लिंक मिल जाएत, ठीक छे। तो चलू एहि पार्ट में जे सबसे पहले अहाँ सबके जानकारी रहबाक चाही वो भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जे लेखक है भाग्य नारायण झा, ओकरा बारे में कुछ जानकारी रहबाक चाही, क्योंकि लेखक के परिचय के बारे में भी पूछल जाए छे। तो देखियो लेखक के परिचय के बारे में बात करी तो भाग्य नारायण झा के जो जन्म छे वो दरभंगा जिला के कारज गाम में 12 जनवरी 1941 ईस्वी का भेल छलनी, ठीक छे। एते जानकारी अहाँ सबके रहबाक छे। और अगर प्रमुख रचना के बारे में बात करत तो प्रमुख रचना अगर मनोरथ, सोनक ममता ओ परदेश, वैदेही, मिथिला दर्शन, तो ये एकर जो प्रमुख रचना है, ठीक छे। एक के बाद देखियो इमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछल जात कुछ इस प्रकार से रहत, कमे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक छे। तो देखियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात अगर कल जाए तो पहल क्वेश्चन जो पूछल जात कि भाग्य नारायण झा का रचना अच्छी, तो अहाँ सबके जानकारी तो भ गया है कि भाग्य नारायण झा का जो रचना है वो भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एकर सही आंसर भ जात ये। एक बार दोसर क्वेश्चन जो पूछल जाए कि अम्बेडकर जी का जन्म कहिया भेल, तो ये जानकारी अहाँ सबके रहबाक चाहिए कि अम्बेडकर जी का जन्म जो भेल वो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी के महू मध्य प्रदेश में भेल। तो अखन मैथिली में महुआ कहल जाए छे और एमपी मतलब भेल मध्य प्रदेश। तो एते चीज अहाँ जानकारी रखब कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में कतः, तो महुआ के मध्य प्रदेश में, ठीक छे। कौन जाति में तो महार जाति में। और यो जानकारी रहबाक चाहिए कि अम्बेडकर जी छे अपन माता पिता के 14वां संतान छे, ठीक। अतः जानकारी भ गया। एक बाद देखियो यहाँ पे तीन नंबर क्वेश्चन अगर पूछत कि अम्बेडकर जी के पीएचडी का उपाधि कहिया भेटलनि, तो ये जानकारी यहाँ सबके रहबाक चाहिए। अम्बेडकर जी के जो पीएचडी के उपाधि भेटलन वो 1916 ईस्वी में भेटले, और अगर जर्मनी से पूछते तो 1927 ईस्वी कहबे, ठीक छे। तो एना अधिकतर 1916 ईस्वी पूछे छे, ते दुआरे 1916 ईस्वी याद रखब, ठीक छे। और अम्बेडकर जी के जो दुगो उपाधि छे वो राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र में छे, ठीक छे। एक बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि महार जाति के की बुझल जाए छल, तो देखियो अस्पृश्य जाति बुझल जाए छले, तो अगर आंसर भ जाए अस्पृश्य, ठीक छे। एक बाद पाँचम क्वेश्चन है कि प्रतिभावन अम्बेडकर 1912 में अर्थशास्त्र आ कथी के डिग्री हासिल कलन, तो देखियो प्रतिभावन अम्बेडकर जे छे 1912 ईस्वी में जे छे अर्थशास्त्र आ राजनीतिक शास्त्र के डिग्री हासिल कलन, तो अगर आंसर भ जाए राजनीतिक शास्त्र, ठीक छे। एक बाद देखियो डॉक्टर अम्बेडकर के पीएचडी के उपाधि कहिया भेटलनि, तो ये जानकारी अहाँ सबके हम दऽ देने छी कि डॉक्टर अम्बेडकर के जे पीएचडी के उपाधि छे वो 1916 ईस्वी में भेल छे, तो एहिके अहाँ सब फुलफिल कऽ लेब, ठीक छे। एहिके बाद सात नंबर क्वेश्चन पूछत कि सात नंबर क्वेश्चन अछि कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान प्रारूप कमिटी के चेयरमैन कहिया नियुक्त कयल गेला, तो देखियो डॉक्टर अम्बेडकर जे छे संविधान प्रारूप कमिटी के चेयरमैन वो 29 अगस्त 1947 का कल गया, तो अगर आंसर भ जाए 29 अगस्त 1947। एक बाद आठम क्वेश्चन जो पूछल जाए अहाँ सबसे कि जीवन में उतार चढ़ाव ककर नियम अच्छी, तो ये जानकारी अहाँ सबके तो आसान है कि जीवन में जो उतार चढ़ाव छे वो प्रकृति के नियम छे, ते दुआरे एकर आंसर प्राकृतिक। एक बाद देखियो नौ नंबर क्वेश्चन जो पूछल जात कि भीमराव सब भीमराव अम्बेडकर कोना भेला, और ये VBA क्वेश्चन छे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छे, ये दुगो नंबर में पूछ सकैए और ऑब्जेक्टिव में पूछ सकैए। तो भीमराव से भीमराव अम्बेडकर जो भेले एगो ब्राह्मण शिक्षक के सलाह पर भेले, और दू नंबर जो पूछते तो कहे जो बचपने में एकर माय बाप जे छले ओ ओकर नाम भीमराव रखने छले, लेकिन मुदा बाद में जे छे ओ ओकर एगो ब्राह्मण शिक्षक के सलाह पर एकर नाम अम्बेडकर राखल गेल, तो एही दुआरे एकर नाम भीमराव अम्बेडकर पड़ल, ठीक छे। एना लिख सकै छिए, एना हम आगे अहाँ सबके बताएब। एहिके बाद देखियौ दसम क्वेश्चन अछि कि 1923 में अम्बेडकर टाका का समस्या मतलब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी शोध निबंध पर लंदन विश्वविद्यालय से कौन उपाधि प्राप्त कलन, तो अहाँ सबके जानकारी रहबाक चाही कि DSC का उपाधि प्राप्त कलन, ते दुआरे का आंसर भ जाए DSC का। एक बाद ग्यारहम क्वेश्चन अछि कि अम्बेडकर जी का कोलंबिया विश्वविद्यालय से कौन उपाधि भेटलनि, तो देखियो अम्बेडकर जी के जे छै कोलंबिया विश्वविद्यालय से PhD के उपाधि भेटल, ताहि दुआरे एकर आंसर भ जाएत PhD। एहिके बाद बारहम क्वेश्चन अछि कि कौन अस्पृश्य छात्र सबसे पहले
मैट्रिक पास कयलनि। तो ई जानकारी अहाँ सबके रहबाक चाही कि अस्पृश्य छात्र जे छै अम्बेडकर जी ओ सबसँ पहिले मैट्रिक परीक्षा पास कयलनि आओर इंटरो वएह पास कयलनि। तऽ ओकर आंसर भऽ जायत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एहिके बाद 13म क्वेश्चन अछि आओर ई हमारा ऑब्जेक्टिव के लास्ट क्वेश्चन अछि कि अम्बेडकर कोन इसकुलसँ मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण भेला। तऽ ई जानकारी अहाँ सबके रहबाक चाही कि मुंबईके एलिफिस्टन इसकुल छै ओहिसँ मैट्रिक परीक्षा आओर इंटर परीक्षा दुनू पास कयलनि। तऽ ओकर आंसर भऽ जायत एलिफिस्टन मुंबई। ठीक छै, एहिके बाद देखियौ एहि चैप्टरसँ जे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछल जायत ओकर कुछ एहि प्रकारसँ आंसर दऽ सकै। पहिला जे सब्जेक्टिव क्वेश्चन अछि डॉक्टर अम्बेडकरक जन्म कहिया आ कतय भेलनि। तऽ ई जानकारी अहाँ सबके हम दऽ देने छी कि डॉक्टर अम्बेडकरक जन्म जे छै ओ 14 अप्रैल 1891 तत्कालीन जे सेंट्रल प्रांत आब जे छै मध्य प्रदेश महोबामे हिंदू महार जातिके परिवारमे भेलनि। तऽ एहि जानकारी अहाँ सबके रहबाक चाही कि अम्बेडकर जी के जन्म जे 14 अप्रैल 1891 अखन जे तत्कालीन जे छै ओ मध्य प्रदेशमे महोबामे छै। ठीक छै, आओर हिंदू परिवारके महार जातिमे भेलनि। एतेक जानकारी अहाँ सबके रहबाक चाही। ठीक है, बाद देखियौ अगला क्वेश्चन अछि 2 नंबर क्वेश्चन, ई लास्ट क्वेश्चन अछि हमरा लेल जे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आओर सब्जेक्टिव क्वेश्चनके वीवीआर जते छै ओ हम अहाँ सबके बता देलहुँ। ताहि दुआरे ई दोसर क्वेश्चन अहाँ सबके अधिक जानकारी रहबाक चाही कि भीमराव अम्बेडकर कोना भेला। तऽ इहो हम अहाँ सबके बतेलहुँ कि 55मे जकर हिनकर माता पिता छलै ओ जे नाम रखने छलै भीमराव रखने छलै, मुदा बादमे एकटा ब्राह्मण शिक्षकके सलाह पर हिनकर नाम अम्बेडकर राखल गेल, ताहि दुआरे एकर नाम आब भीमराव अम्बेडकर पड़ि गेल। तऽ अतेक जे छलै एहि पाठ से 7म पाठ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जे इम्पोर्टेंट अछि। तऽ अहाँ सबके अच्छा लागल हुए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देबे और चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर लेबे। और 6ठा चैप्टर तक के वीडियो हम ऐसे पहले बना देने छी, अगर नहीं देखलिए तो ओकर लिंक अहाँ के सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, ओतय से अहाँ देख सकै छी। तो मिले छी अगला वीडियो में अगला चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।